jungle. एक ऐसी स्टेज आई जब जा करके मैं फोटोग्राफी में यहाँ पे आके अटक गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। क्या होता था, पोर्टफोलियो करता था, महीने का 30-40 हज़ार रुपये भी कमा रहा था, जा करके जैसे ही वो फोटोग्राफ्स लोग दिखाते थे एजेंसीज में, तो लोग कहते थे किस बेवकूफ़ से पोर्टफोलियो करा के आए हो, क्या है ये फोटोग्राफ्स, कुछ नहीं, उठा के फेंक देते थे। वो लोग मेरे पास आते थे, कहते यार क्या क्या हो रहा है ये, क्यों? क्योंकि फोटोग्राफी में नाम बिकता है। कई बार पोर्टफोलियो अच्छा भी होता था, कई बार बुरा भी होता था, कई बार अच्छा भी होता था जब मैं वो फोटोग्राफ्स खींचता था, लेकिन फिर भी नाम नहीं था ना। वो कहते थे कौन है ये, कहाँ से आया फोटोग्राफर, हमने नहीं सुना इसका कभी नाम, जाओ किसी ढंग के उससे करा के लाओ। मैंने कहा अब नाम करना है, कैसे करना है कुछ नहीं पता। तो एक कहीं से आइडिया आया कि चल यार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूँ फोटोग्राफी के अंदर, कि एक दिन में मैं 10-15 मतलब 3-4 शूट तो कर ही सकता हूँ, मैं 10-15 शूट भी कर सकता हूँ, जा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूँ। दोस्तों से बात किया, कहते इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, छोड़ पागल है क्या तू, कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, तेरा छोटा सा सेटअप है घर पर ही तू बैठा हुआ है। मैं गया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, जा करके उनकी जो MD है उनसे मिला, विजय घोष, उनसे मिला। उन्होंने कहा देखो संदीप, इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना कोई खेल नहीं है, क्या करना होता है इसके लिए तुमको कुछ बहुत बड़े लेवल पे करना होगा, अगर कुछ भी करना है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा नाम आए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, तुमको सर्टिफिकेट मिले, तो कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। एक इंडिया का रिकॉर्ड होता है वो बन सकता है, छोटा मोटा कुछ कर दो। मैंने कहा नहीं इंडिया का नहीं, मेरे को, उसमें दो तरह के रिकॉर्ड होते हैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक इंडिया रिकॉर्ड। मैं कहा नहीं मेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, क्या करना है आप बस ये बताओ। उन्होंने कहा देखो कम से कम तुमको 100 मॉडल्स हायर करने होंगे, कम से कम 10,000 फोटोग्राफ्स क्लिक करनी होगी फिल्म रोल पे, उस टाइम पे वैसे भी फिल्म रोल ही थे, डिजिटल नहीं था, तो सारे रोल्स पे क्लिक करनी होगी नॉन स्टॉप 12 घंटे में क्लिक करनी होगी, और वो 10,000 में से कोई भी दोनों शॉट सेम नहीं होने चाहिए, सब अलग अलग होने चाहिए। और हमारे मॉडरेटर्स बैठे होंगे, वो चेक करेंगे कि तुम कहीं बीच में एक मिनट भी बैठ तो नहीं रहे, 12 घंटे तक नॉन स्टॉप तुम्हें शूट करना होगा। मैंने कहा बस और कुछ कैसे। मैंने कहा हाँ बस इतना कर दो, बस बहुत है। मैंने कहा हो जाएगा हो जाएगा, मैंने एक डेट दे के आ गया उनको, मैंने कहा हो जाएगा इस डेट पे हो जाएगा। कहते उसके लिए तुमको कोई बैंकेट हॉल वगैरह कोई बड़ा हायर करना पड़ेगा, इतने सारे लोग आएंगे करेंगे और वो सब होगा। मैं कहा सब हो जाएगा। मैं गया, कहती मैं सजेस्ट करती हूँ तुम्हें कि तुमको इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हायर कर लो। तो मेरे को हंसी आ गई, मैं कहा ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खड़ी आपके सामने डिक्स 2000। अब बना कनेक्शन, जो मेरा वो इतना बड़ा फेलियर था वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ी सक्सेस बनने वाला था। अगर मैंने वो इवेंट नहीं कराया होता, 2 महीने तक दिन रात अगर उस इवेंट को नहीं कराया होता, तो मेरी हिम्मत भी नहीं होती है सोचने की वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की, लेकिन मेरे लिए वो खेल बन गया था। मैं कहा 800 बंदों की पार्टी अरेंज करा सकता हूँ तो ये क्या है, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, 100 मॉडल भी तो चाहिए। घर आया, अगर अपने दोस्तों से डिस्कस किया, अब उन्होंने पेपर पेन निकाल लिया। जब भी पेपर पेन निकलता है तो मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि समझाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा भैया तू क्या कह रहा है, 100 मॉडल हायर करने हैं, 5,000 रुपये लगा ले कम से कम, 5,00,000 रुपये ये हो गया, उसके अलावा ये कॉस्ट, उसके अलावा बैंकेट की कॉस्ट, उसके अलावा ये सारा करते करते ये तो 8-10 लाख रुपए खर्चा है, कहाँ से लाएगा तू। मैं कहा पता नहीं भाई कहाँ से लाऊंगा। मैं कहा लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मुझे बनाना है। कहते नहीं बनेगा। मैंने कहा बनेगा, आसान है, बन जाएगा। सोचता रहा फिर देखा तो अंदर ही जवाब मिला कि बहुत सारे मॉडल्स ऐसे थे जिनसे मैं 3-4 हज़ार रुपये लेकर के पोर्टफोलियो करता था। ऑन दी अदर हैंड देयर वर लॉट ऑफ मॉडल्स जो 3-4 हज़ार रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए एक ऑफर निकाल दिया, उनको कॉल करना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई 500 रुपये में पोर्टफोलियो हो रहा है, 500 रुपये में पोर्टफोलियो हो रहा है, 500 रुपये पागल हो गए लोग। लाइनें लग गई, उन्होंने कहा ले लो हमसे पैसे ले लो हमारा पोर्टफोलियो कर। दूर दूर तक बात फैल गई कि एक फोटोग्राफर आ गया वो मार्केट खराब कर रहा है, 500 रुपये में पोर्टफोलियो कर रहा है, तीन रोल शूट कर रहा था 500 रुपये में। तो लोग आ गए, लाइनें लग गई। टोटल 122 मॉडल्स आए, 11.5 घंटे के अंदर 10,000 से ऊपर शॉट्स भी क्लिक हो गए, 12 घंटे का टारगेट था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया।